ठाकुर जी आगे कहा कि कुछ नहीं, नथिंग, ह्यूमैनिटी, वी शुड लव फॉर द ह्यूमैनिटी, ऐसे कर और मानव को उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए परम प्रेम आए श्री ठाकुर इस युग में आए हैं। और परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की वंदे पुरुषोत्तम, वंदे आर्य मित्र, वंदे मातृवर्गा, वंदे हम कृष्ण देवता, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, परम प्रेम मायुगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के।
आज के युग के युग अवतार परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां जन्म महोत्सव यहाँ भोपाल में मनाया गया है, जिसमें बहुत दूर दूर से हमारे दादा माँ लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली से हमारे ज्योतिदा विशेष भाई और भी सारे गुरु भाई आए हुए हैं, जिन्होंने खूब सुंदर भजन किए, याजन किए, और जितने भी आप यहाँ पर दादा माँ देख रहे हैं ये सभी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भक्त हैं। और हमारे दयाल पुरुषोत्तम जो कि कहते हैं एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो, और धर्म में सभी बसते बढ़ते संप्रदाय को धर्म न कहते, तो हम लोग आज दयाल को मान करके चल रहे हैं। और ये पूरे जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं झूम के नाच के दयाल को अपना भाव समर्पित कर रहे हैं। हमारे दयाल का धाम जो देवघर धाम है, जो सत्संग का मुख्य स्थल है, वहां से ये संचालित होता है और हम सभी दादा माँ मिलकर के समय समय पर जन्म महोत्सव मनाते रहते हैं। आचार्य देव के दिशा निर्देश पर आज ये सत्संग किया गया है। ये उत्सव 137वां जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम से संपन्न होने जा रहा है। समस्त नागरिक से बल्कि इस देश के पूरे विश्व के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जो आज के युग के युगावतार परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस धराधाम पर आए हैं, जो मानव को मानव बनाने के लिए इस धरती पर आए हैं, आज आइए हम सब मानव बन करके इस धरती को पावन करें और अपने सभी इष्ट प्राण गुरु भाई माता बहन इस समाज के सभी लोगों के साथ प्रेम करने का प्रयास करें। प्रेम में ही सब कुछ है, प्रेम गलियती साकरी जा में दो न समाई। अगर प्रेम है अहम नहीं रहेगा, अहम रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा। हमारे दयाल प्रेमवान लेकर के आए। लास्ट में दादा मैं इतना ही कहूंगा, त्रेता में आए राम भगवान जो कि धनुषवान लेकर के आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए जो कि चक्र लेकर के आए, कलयुग में हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए जो प्रेमवान लेकर के आए हैं, हर किसी को प्रेम सिखाने आए हैं। जय गुरु जय गुरु। ठाकुर जी हमारा प्रेम बांटने के लिए आए, वो प्रेमी आदमी है, इतना प्रेमी है कि एक जो पत्ता जो है हिलता है तो ठाकुर जी का इच्छा से हिलता है। हम लोग यही समझ पाए हैं, परमपिता परमेश्वर से यही समझ में आया जो हमारा ठाकुर जी का इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे मेन ये है, ठाकुर जी जो बोला है हमारा जीवन में उतरने के चरित्रगत करने के लिए, ठाकुर जी बोले हैं जीवन में अगर तुमको पाना है तो करके पाना है, ना कर को जो पाना चाहे दुख तो उसका पीछे आए, करते करते जे जन जाए कृपा का आशीष वही तो पाए। जो कृपा है अगर पाना है, ठाकुर जी बोलता है कृपा का शब्दों का अर्थ क्या है, करके पाना, कृपा आने कर और पा उसी को बोलता कृपा। और जो हम लोग बोलते हैं कि आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसा नहीं है जो हाथ उठा देने से आशीर्वाद होता है, नहीं है। आशीर्वाद का माने ये होता है जो उनका आशीष वाणी का पालन करता है उसको, जब पालन करके जो उसको करके जो मिलता है वही आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद का उनका निर्देश के अनुसार जो चलते हैं, ठाकुर जी बोले भालोबासिस अनेक बोलिस निर्देश मैंने चलिस ना, ठीक ही दानिस प्रियो के तु स्वार्थ सड़ा गुनिस ना। ये जीवन का अर्थ होना चाहिए कि हमको स्वार्थ में नहीं, निस्वार्थ होके ठाकुर से प्रेम का ठाकुर का निर्देश पालन करना है, हमको जो प्राप्त करना है। ठाकुर जी बोले जो जो तुमको पाना है, जो जो तुमको पाने चाहते हो उसको जानना पड़ेगा, क्या क्या करने से पाया जा सकता है, उसको ठीक ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको पा जाओगे। ठाकुर का कृपा वही होता है, तुम्हारा सद्बुद्धि प्रदान करता है, सद्बुद्धि जब प्रदान करता है तो कर पाओगे, सतता तुम्हारा जग जाएगा, ठाकुर जग जाएगा, तुम्हारा चिंतन धारा जो है सब अच्छा तरीके से जो काम करना है वो आप कर पाओगे। नहीं तो क्या एकदम आदमी फंस जाता है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसी हिसाब से वो जब फंस जाता है तो समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। ठाकुर जी बोलते हैं सारे समस्या का समाधान दानो इष्ट प्रतिष्ठान, इष्ट का प्रतिष्ठा करोगे तुम्हारा सारे समस्या का समाधान होगा। मैं ये जो उत्सव है मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया था जो ठाकुर जी ये उत्सव कैसा कर पाएंगे, सिर्फ तुम्हारा ठाकुर तुम्हारा ही दया होगा तभी हो पाएगा, तो ठाकुर जी का दया से ही ये उत्सव पूर्ण हुआ। सबका धन्यवाद करते हुए मेरा ये वाणी विराम देता हूँ। जय गुरु। जुग जुग से जो हमारा राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राम कृष्ण और सब बारी बारी में आए हैं, क्यों आए हैं, हम लोग का जीवन कैसे निर्वाह करना है उसको सिखाने के लिए, ये धर्म है कैसे हम अपना जीवन बिताए जो हम सुख शांति में रहे। तो लेकिन रामकृष्ण जी अभी 1986 में उनका देहांत हुआ,
और गुरुजी 1988 में आया। इतना दो साल में गुरुजी को आने की क्या जरूरत पड़ा, बार बार गुरुजी को पूछा गया। गुरुजी ने बोला अभी विज्ञान का युग है तो हम इसे बात करेंगे, वेदांत की जो श्लोक बोलते रहेंगे, धर्म की जो संस्कृत वाणी बोलते रहेंगे, लोग नहीं लेगा हमको। अभी हमको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना है सब कुछ, क्योंकि धर्म और साइंस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये प्रतिष्ठा करने के लिए ही गुरुजी ने बार बार बोला है, इसलिए मेरा आना जरूरी पड़ा। और हम इस युग में जो हमारा ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये साइंटिफिकली हाईली साइंटिफिक है, हमारा साइंस उसका एक पार्ट है केवल, इसको प्रूव करने के लिए गुरुजी आए हैं बस। नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु। ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने परिवार सहित इसमें जुड़ा हुआ हूँ और ठाकुर जी का जो शिक्षा है, उनका जो अनुदेश है, उनकी जो सिखलाई है, वो मैं जीवन में अपना और अपने परिवार पे और सबको लिए उतारना चाहता हूँ। और सबसे कामना करता हूँ कि अपने समाज में, अपने परिवार में, देश में सभी लोग ठाकुर जी के शिक्षा को ग्रहण करें और सही जो है सिखलाई जो है ग्रहण करें, उसको जीवन में उतारें, तभी ठाकुर जी के प्रति अपनी सच्ची सच्ची भक्ति होगी और सच्ची शक्ति अपने को प्राप्त होगी। धन्यवाद, जय गुरु। बजा बजा के ताल में नचू ठाकुर रचना में, बजा बजा के ताल में नचू ठाकुर रचना में, बजा बजा के ताल में नचू ठाकुर रचना में, सत्संग करके आज में नचू ठाकुर रचना में, बजा नचू ठाकुर रचना में, नचू ठाकुर रचना में, बजा नचू ठाकुर रचना में, Thank you.
सब कुछ लगा हुआ है, पर जो कैसे होगा जो जो करने के लिए अपने मन में शांति के लिए हम ठाकुर के पास मन ईश्वर आते हैं तो कुछ अलौकिक कुछ करते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी का अगर जीवन देखेंगे, ईश्वर होके भी उन्होंने कभी भी कुछ अलौकिकत्व किया है क्या? उनको जब सागर पार करना था तो उनको सेतु बनाना पड़ा, ऐसे क्या कि ईश्वर है तो मैं छलांग मार दूंगा? तो ईश्वर का रूप को समझना है कि वो जब ईश्वर के रूप में आते हैं तो वो हमारे लिए आते हैं, वो आचरण करके दिखाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे क्या क्या हो पाता है। वो ऐसा कुछ अपने दृष्टांत नहीं रख के जाएंगे जो हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने जो दृष्टांत रखे गया वो ये किसके लिए रखे गया था? हमारे लिए। जब हम लोगों ने उस चीज को अनुभव करना सीखा तब जाके समझ में आया कि वो हमारे ईश्वर है, हमने अनुभूति के माध्यम से उनको पहचानते हैं। ऐसे किसी ने अगर बोल दिया तो वो मेरे इंटरनल को टच नहीं कर पाएगा, एक्सटर्नल को टच कर सकता है लेकिन इंटरनल को कभी टच नहीं कर पाएगा, और ईश्वर है मेरे इंटरनल को जो टच करता है। और ऐसे ऐसे व्याख्या हम लोग जब देखते हैं ना, कि देखिए जब ईश्वर पुरुष आते हैं तो उनका हर एक जो स्टेप होता है ना वो मेजर्ड करके चलते हैं। तो जब लवण कुश जब माँ सीता के पेट में थे तो राज्य में क्या हुआ था? राज्य में फैल गया कि सीता कलंकित है, वो है। किसने कहा? उनका ही पुत्र जो उनसे सृष्टि हुआ, वो सृष्टि के पुत्र ही बोल रहे हैं सीता कलंकित है। अब माँ के कोख में जब बच्चा होता है तो उनके भावना से चिंता से वो बच्चा भी उस चीज को अनुभव। तो रामचंद्र ने उस चीज को देखा कि यहाँ पे जो लवकुश है तो उस लवकुश को अभी मुझे वाल्मीकि आश्रम भेजना है। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा? श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को त्याग कर दिया। कहाँ से त्याग किया?
वो खुद पुरुषोत्तम है, उनको पता है, विधि पता है। माँ उस समय जो चीज सोचेंगे वही बच्चा उस चीज को अनुभव करते हैं, और मालिक होते हुए भी उस विधि को वो उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने वहां पे भेजा। तो ये आप जिनको देख रहे हैं ना, वो हमारे आचार्य देव के माध्यम से मुझे पता चला ये, नहीं तो सब लोग बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी माँ सीता को त्याग किया। हमने जाके भी प्रश्न किया, ऐसे कैसे हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी माँ सीता को त्याग किया है? तो हमारे आचार्य देव बोल रहे हैं कि ये कारण था, ये कोई त्याग नहीं था, वो विधि का विधान से वो अनुभूति था। तो चीज को समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आगे दो मिनट में आपके साथ बात कर लिया और आप चीज को मैं समझा दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। उस चीज के साथ डुबकी लगाना पड़ता है, और वही श्री रामचंद्र जी फिर से आए श्री कृष्ण जी होके, वही श्री कृष्ण जी फिर से आए श्री ठाकुर रघुचंद्र होके। आज ठाकुर के अंदर सब पूर्वतन का वो चीज देखा, इसलिए दादा उड़ीसा का है, उड़ीसा से आए हैं दादा। उड़िया में आप जाएंगे ना, जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे, जगन्नाथ जी का पूजा के बिना वहाँ पे कोई कुछ नहीं करते है, लेकिन आज उसी जगन्नाथ टेम्पल के परम भक्त होके आज ठाकुर को लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर के अंदर उन्होंने उस श्री कृष्ण जी को भी देखा, जो फुलफिल कर रहा है आज के दिन में। 10,000 साल पहले वो आए थे, क्या आज नहीं आएंगे फिर से मेरे पास? क्यों नहीं आएंगे? क्या मेरा दृष्टि इतना साधना में पहुंच गया कि मैं उस फोटो को देख के मैं समझ जाऊंगा ये मेरा श्री कृष्ण जी है, ये मेरा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है? मेरा दृष्टि इतना ऊंचाई पे नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे उस चीज के साथ जुड़ेंगे, जैसे हम लोग अनुभव करते हैं, वो अनुभूति की बात आपके साथ शेयर किया। दीक्षा लेना ये वो बहुत, ये तो बहुत दूर की बात है, ये सब पहले चीज को समझा कीजिए। और सत्संग एक बहुत बड़ी चीज है, सत्संग का मोटो ठाकुर का, आज के दिन में पुरुषोत्तम का अगर किसी का इच्छा है कि आज के दिन में ईश्वर क्या चाहते हैं, वो ईश्वर की चाह भी हमें समझ में नहीं आया, हम लोग एक कैओस क्रिएट कर देते हैं, संप्रदाय के भी संप्रदाय का एक विभेद कर देते हैं, ऐसा ये कर। लेकिन ठाकुर जी आगे कहा कि कुछ नहीं, नथिंग ह्यूमैनिटी, वी शुड लव फॉर द ह्यूमैनिटी, ऐसे करके हम लोग को किसी गोल पर्पस फुलफिल नहीं हो। तो दादा आप लोग जिसको जानिए पहले, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वार पे ऐसा हो रहा है। जय गुरु। सत्संग अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये वार्षिक उत्सव है भोपाल में, और हम लोग सब मिलके उत्सव करते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर। ठाकुर जी आए हैं हर युग में, ठाकुर जी आते हैं, और जैसे राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रसूल राम कृष्ण चैतन्य वही है ठाकुर अनुग्रह, वही परमात्मा हर युग युग में आते हैं, और मानव को उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए परम प्रेम आए श्री ठाकुर इस युग में आए हैं। और सबसे मेरे यही निवेदन है कि ठाकुर जी जो राहत उठा के गए हैं, जो जजन जाजन ईश्वर जी की शास्त्री सभ्याचार हम लोगों को पालन करना चाहिए, जो अभी अविंदा ईश्वर का काम किया है, ये हम लोग अगर करेंगे तो इस जीवन में हम लोग सुख शांति में रह पाएंगे, हमारा परिवार परिवार सबको लेकर हम लोग कैसे उन्नति के पथ में जा पाते हैं, यही हमारा सत्संग है। सत्संग है मनुष्य गढ़ने का कारखाना, और ये ठाकुर जी का सत्संग है। ठाकुर जी बोलते हैं सतनाम का आश्रय लेके सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, मैं निश्चय करके कहता हूँ हमारे उन्नयन के लिए और हमको सत्संग पड़ेगा। तो हम लोगों को ठाकुर जी के लेके चलेंगे, हमारा किसी उन्नयन है, ठाकुर जी अच्छी तरह जानते हैं, जैसे एक माँ बच्चों के लिए सब कुछ सोचते हैं, ठाकुर जी हमारे सबके लिए सोचते हैं, और हमारा क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है ठाकुर जी को सब पता है। इसलिए हम लोग जो ठाकुर जी ने बोल के गए हैं, ठाकुर जी का जो वाणी है अगर हम मान के चलेंगे तो निश्चित हम लोग सुखी हो पाएंगे। जय दयालता सुंदरम पुरुषोत्तमम सतम सुतम सुंदरम पुरुषोत्तमम दयालता सुंदरम पुरुषोत्तमम सतम शिवम सुंदरम पुरुषोत्तमम
पिया जम घर मा धन करो मन मा दिया जले घर मा धन करो मन मा दिया जले घर मा धन करो मन मा धन में उच्च जीवन सुंदरम दयाल ठाकुर सुंदरम पुरुषोत्तमम सतम शुभम सुंदरम पुरुषोत्तमम दयाल ठाकुर सुंदरम पुरुषोत्तमम सत्यम शिवम सुंदरम पुरुषोत्तमम दयाल ठाकुर सुंदरम पुरुषोत्तमम Thank you.